जब हनुमान जी लंका गए ना तो पूरी लंका में हनुमान जी घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अग्नि तेजोदा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाते सुनाई। राम हनुमान जी सब भवन में गए, अनेक भवन में गए, हनुमान जी को कहीं अच्छा नहीं लगा। रावण के भवन में गए, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ठहरे कहां लंका में, थोड़ी देर। रामायुध दरवाजे पर ठहरे, कौन से दरवाजे पर, जहां राम के, रामायुध माने राम के आयुध, आयुध का मतलब चिन्ह, धनुष बाण बने, राम जी का स्वस्ति तिलक बना, तुलसी का वृक्ष रखा। मैं निवेदन करूं भारतीयों पागलों, तुम लंदन में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, चाहे जहां बस जाना, चांद पर भी बस जाना, ईश्वर करे तुम्हें इतनी तरक्की मिले कि तुम हर दुनिया के कोनों में तुम्हारा राज हो, पर कभी अपने राम को मत छोड़ना, पर कभी तुम अपना तिलक मत छोड़ना, कथा मत छोड़ना, गुरुओं को मत छोड़ना, ऐसे महापुरुषों का साथ देते रहना जो खुद तो कथा सुनते हैं। पूज्य राजराजेश्वर जी, आपको भी सुनाने के लिए कोई पागल ले आते हैं। मैं निवेदन करूं, संपत्ति तो बहुत कमा लेते, किन्होंने नहीं कमाई, तुमने संपत्ति में क्या क्या नहीं खोया। बुरा ना माने हमसे, एक एक एक, एक अभी एक रात को कह रहे थे, महाराज जी यहां लोगों ने बहुत कुछ पाया, हमने कहा पाया नहीं खोया, तुम जरूर कहते पाया, हमें लगता बहुत कुछ खोया, तन भी खोया बतन भी खोया, क्या नहीं खोया, भाई भी खोए, वहां वो वहां रहे, खोए का मतलब ये नहीं, खोए का मतलब थोड़ा दूरी बनाना, दिल से दूर नहीं हो। और मैं निवेदन करूं, उसने कुछ नहीं खोया जिसने यहां आकर के भी किसी की याद नहीं छोड़ी, जिसने यहां बस करके भी राम कथा या हनुमान कथा नहीं छोड़ी, जिसने यहां रह करके भी हनुमान चालीसा नहीं छोड़ा, जिसने यहां रह करके सुंदर कांड नहीं छोड़ा, जिसने यहां रह करके माँ बाप का धन्यवाद या माँ बाप की याद नहीं छोड़ी, जिसने यहां रह करके गुरुओं का धन्यवाद और गुरुओं का सम्मान नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं खोया, बहुत कुछ पाया। और जिसने इसके ठीक विपरीत काम किया ना, उसने बहुत कुछ खोया। हमें लगता है वो आदमी 10 पाउंड में बिक गया, हमें लगता है वो आदमी बेफिजूली का जीवन गवा गया। हमें निवेदन करूं, तुम्हारी जिंदगी 2 कौड़ी की है जब तक तुम्हारी जिंदगी में राम नहीं है, 2 कौड़ी की। तुम करोड़ों की संपत्ति बना लो, करोड़ों का नाम कमा लो, यहां की महारानी के साथ बैठकर तुम भले ही डिनर कर लो, पर जब तक सच्ची मोहब्बत हनुमान से नहीं है, राम से नहीं, तुम्हारी जिंदगी 2 कौड़ी की है, कोई काम की नहीं साहब, कोई काम की नहीं। इनमें और फिर तुम में क्या अंतर है, राक्षसों में और दानव भक्तों में क्या अंतर था, राक्षस राम को बचते नहीं थे, भक्त राम को बचते हैं। भजो क्या बोल रहे हैं आपको साधु, तुम सब समझदार हो, हम तो बुद्धिहीन आदमी है, महामूर्ख है, महानालायक है, हम तो यही कहेंगे जितना इसमें आनंद है ना, कभी कभी लगने लगता है हमें बीमारी होगी कथा बोलने की, हमें बीमारी होगी राम कहने की, लेकिन कभी बार हमारी, कई बार जब मन ही मन में ऐसी तो बात होती नहीं, कभी कभी मन में बात होती है तो हम एक ही बात कहते हैं, ईश्वर भगवान करे ये बीमारी बढ़ती जाए। तुम्हारी याद तो बनी रहेगी, तुमसे प्रीति तो बनी रहेगी। सिया राम में सब जग जाने की बात तो करते हैं, सब में राम देखते हैं, पर सब में राम को वंदन नहीं कर पाते, इतने द्वेष भर जाते हैं, इतने अब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिया राम में सब जग जाने, पर क्या तुम सब में राम देखते हो, और राम अगर देखते हो तो फिर राम में दोष क्यों देखते हैं, इसका मतलब हम तुम दोगला है, हमारा तुम्हारा मन द्वंद में फंसा है। एक काम करो, अब मौका मिला है, जगो, जागो, भागो मत, हनुमान कथा से भागना नहीं, जागना। 5 दिन बाद हम तो चल देंगे, पर तुम मत जाना, तुम हनुमान कथा में बैठ जाना,
हमेशा के लिए। फिर दोबारा धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर सरकार आवे ना आवे, दोबारा पूज्य राजराजेश्वर वाले गुरु जी बुलावे, किसी को ना बुलावे, तुम्हारे जीवन में हनुमान तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसे जागो। आप कहोगे महाराज जी राम का मिलना मुश्किल है, ऐसी भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, ये सब बातों में ठीक है, कथाओं में ठीक है, कर पाना बहुत मुश्किल। हम कहते हैं कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, ऐसे समझो। लंदन में आने वाला व्यक्ति पहली बार जब नए शहर में जाता है, उसे वहां की लोकेशन के बारे में पता नहीं होता है, जगह के बारे में पता नहीं होता है। फर्स्ट टाइम हम आए, हमें पता नहीं बेमिली क्या है, लेस्टर्न क्या है, दो ही शहर के नाम रट पाए हैं ज्यादा, हैरो बस, लेकिन पता नहीं मंगीलाल कहां रहता, चंगीलाल कहां रहता, टिल्लू गुरु कहां रहते, पता नहीं है, नहीं है तो नहीं है। एक हम आए, एक व्यक्ति और आता है लंदन पीने वाला, यहां पानी महंगा है, पीना सस्ता है, समझ जाओ। चेस है ना, मदिरा नशा सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां बहुत पीने वाले भी बैठे जो रात को टुन्न भी हो जाते हैं, सुबह उठ के फिर मुंह धो के जय हनुमान ज्ञान गुंजागर जय कपीस। अरे महाराज 20 साल हो गए हनुमान जी ना देखे, ठठरी के भरे। रात को और सुबह से राम 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 राम। अब हनुमान जी क्या कृपा करेंगे, खाक ठीक है, कोई नहीं। नया नया व्यक्ति जब शहर में आता है तो उसे कोई भी स्थान पता नहीं होता है, पर वो विद इन 30 मिनट 40 मिनट में पता कर लेता है कि बिकती कहां है, क्योंकि उसकी खोज ही है क्या, पौआ। उसे बुंदेली भाषा में कहते पौआ, आपकी यहां की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, बाटर नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर तो कमरे को भी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, बियर। आप हमको घुमा रहे हो। पीने वाला व्यक्ति खोज लेता है, ढूंढ लेता है कहां व्यक्ति, विद इन 40-30 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी खोज, उसका लक्ष्य, उसका एम, उसका उद्देश्य सिर्फ पीना है, पीना है। अब वो किसी भी कोने में बिकती हो, कितने भी बड़े शहर में हो, वो खोज लेता है। मैं पागलों तुमसे निवेदन करूंगा, जब पीने वाला व्यक्ति 14 मिनट्स में जब पीने का स्थान ढूंढ सकता है, तो क्या तुम जिंदगी भर में हनुमान नहीं ढूंढ सकते हो? बोली बालाजी सरकार की।